27 सितंबर लास्ट 24 आवर्स में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश हुआ। हाइस्ट बारिश था मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का मोथेली 64.0 मिलीमीटर, गजपति डिस्ट्रिक्ट का नोआगरा 58.0, गंजाम डिस्ट्रिक्ट का पलसरा 52.6। सीजनल को बारिश का भी जो स्थिति आया है 1 जून से आज 27 सितंबर तक टोटल बारिश हुआ है 1177.7 मिलीमीटर। इस समय तक स्वाभाविक होता है 1135.1 मिलीमीटर, 4% पॉजिटिव साइड है। डिस्ट्रिक्ट वाइज 4 डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस मीन्स 20% और मोर स्वाभाविक से ज़्यादा बारिश हुआ है, कंधमाल, कोरापुट, बौद्ध, गजपति। और भौतिक डिस्ट्रिक्ट में मार्जिनली डेफिशियंस है, -20% है। रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक रेंज में है, ±19% के अंदर। अभी अगला 5 दिन का हमारा जो फोरकास्ट है इसमें ऑनगोइंग जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमारा कोस्टल लाइटनिंग इंटरविशा का डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, कुछ कुछ स्थानों पर बारिश जो हो रहा है ये अगला 3-4 दिन तक कंटिन्यू करेगा। जैसा नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश होगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट और इंटीरियर का सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्द्र, मयूरभंज, जंगल, ढेंकनाल, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। कल भी हमारा कोस्टल विशा अडजॉइनिंग इंटर विशा, उसके बाद हमारा 29 में भी कोस्टल विशा अडजॉइनिंग इंटर विशा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। और फिर हमारा उसके बाद भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ 30th को भी रहेगा। फर्स्ट को स्लाइटली कोस्टल विशा में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करने का चांसेस है, उसके बाद भी रेनफॉल एक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज करने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में पार्टली क्लाउडी टूवर्ड्स इवनिंग जनरली क्लाउडी होने का चांसेस है। थंडरस्टॉर्म्स का साथ बारिश का पॉसिबिलिटी कुछ कुछ एरिया में है।